क्या आप जानते हैं कि वो फल कौन सा था जो आदम और हवा ने खाया, जिसके खाने से मौत और श्राप उनके जीवन में आया? वो कौन सा फल था जिसे खाने के लिए शैतान ने हवा को उकसाया? ज्यादातर तस्वीरों में आदम और हवा को सेब यानी एप्पल खाते दिखाया जाता है, पर वो फल सेब नहीं था। बाइबल में कहीं भी उस फल के नाम के बारे में नहीं लिखा कि वो कौन सा फल था। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकते हो, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम कभी ना खाना। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने डायरेक्टली उस फल के नाम के बारे में नहीं बताया। फिर जब शैतान हवा को भरमाता है तो वो भी उस फल का नाम नहीं लेता, और इसीलिए हमेशा से लोगों के दिलों में यही सवाल रहता है कि वो कौन सा फल होगा जो आदम और हवा ने खाया था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अंजीर का फल था, क्योंकि जब उन्होंने वो फल खाया तो उन्हें उसी समय पता चल गया कि वे नंगे हैं, और उस समय जो पेड़ उनके पास मौजूद था उन्होंने उसी पेड़ के यानी अंजीर के पत्तों के कपड़े बना लिए। फिर लोग ये भी बोलते हैं कि यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया था, इसलिए वो फल अंजीर का फल ही है। मरकुस अध्याय 11 उसकी 12-13 आयत में लिखा कि यीशु मसीह को भूख लगी थी और इसीलिए वो अंजीर के पेड़ के पास आए थे ताकि उसका फल खा सके। यीशु मसीह उस पेड़ को श्रापित करने के इरादे से उसके पास नहीं आए थे। तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वो फल ना तो सेब है और ना ही अंजीर, वो फल है अंगूर। जी हाँ, परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर जो फल आदम और हवा ने खाया और जिसे खाने से उनके जीवन में श्राप और मौत आई, वो फल अंगूर था। पर वो फल अंगूर कैसे हो सकता है? बाइबल में तो लिखा है कि वो एक वृक्ष था, एक पेड़, एक ट्री था, पर अंगूर का तो कोई पेड़ नहीं, उसकी बेल होती है, उसकी लताएं होती हैं, अंगूर का वृक्ष नहीं होता। पर क्या आप जानते हैं कि पहले समय में अंगूर का पेड़ इतना बड़ा होता था कि वो वृक्ष के जैसा होता था? इसके बारे में बाइबल में बहुत सी जगहों पर लिखा है। यहेजकेल अध्याय 15 उसकी 2 आयत में परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। इस वचन में परमेश्वर ने अंगूरों को वृक्षों में गिना है। गिनती अध्याय 13 उसकी 23 आयत में लिखा है, तब वे एशकोल नाम के नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और दो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। ये बात उस समय की है जब मूसा ने 12 जासूसों को कनान देश में उस देश की रिपोर्ट लेने के लिए भेजा था कि वे देख कर आए कि वो देश कैसा है, क्योंकि इजरायलियों ने कनान देश पर हमला करना था। 40 दिन उस देश में रहने के बाद वो जासूस वापस आते हैं और कनान में से एक बड़ा अंगूरों का गुच्छा लेकर आते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि सचमुच उस देश में दूध और शहद की नदियां बहती हैं। आजकल अंगूर छोटे छोटे होते हैं, पर पहले जमाने में ऐसा नहीं था। जब उन जासूसों ने अंगूरों के गुच्छे तोड़े तो उन अंगूरों का भार इतना ज्यादा था कि उन्होंने उस अंगूर के गुच्छे को एक लाठी के बीच में बांधा और फिर दो लोगों ने उस लाठी को उठाया। जिस तरह किसी शिकार किए जानवर को लाठी के ऊपर बांध कर ले जाया जाता था, उसी तरह उन्होंने उस अंगूर के गुच्छे को उठाया। अदन की वाटिका में जो वृक्ष लगे थे उनके बारे में गिदोन के बेटे ने भी भविष्यवाणी की थी। तकरीबन सब लोग जानते हैं गिदोन के बारे में। गिदोन के दिनों में इजरायली लोग मूर्ति पूजा बहुत करते थे और इसीलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिधानियों के हाथों में कर दिया। और फिर जब इजरायलियों ने परमेश्वर को पुकारा तो उस समय परमेश्वर गिदोन को चुनता है और गिदोन मिधानियों के साथ लड़ता है। गिदोन बाल देवता की सारी वेदियां और मूर्तियां तोड़ देता है और इस कारण लोग गिदोन को यरूबाल के नाम से पुकारने लगे और इस तरह गिदोन का दूसरा नाम यरूबाल पड़ गया। गिदोन की बहुत सी पत्नियां थी और उन पत्नियों से उसके 70 बेटे पैदा हुए। गिदोन की एक रखैल भी थी जो शकेम नगर में रहती थी, उसके भी एक पुत्र हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। अब कुछ समय बाद गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर जाता है और इस बात का फायदा उसकी रखैल से जन्मा पुत्र अबीमेलेक उठाता है। वो अपने रिश्तेदारों के पास शकेम नगर में जाकर उनसे कहता है कि तुम लोगों के लिए क्या भला है यह कि यरूबाल के 70 पुत्र यानी गिदोन के 70 पुत्र तुम पर राज्य करें या
या फिर मैं जो तुम्हारा ही खून हूँ तुम पर राज्य करूँ। और इस कारण शकेम के लोगों ने सोचा कि अबीमेलेक तो हमारा ही भाई है और इसलिए राजा की गद्दी के लिए इसे ही सपोर्ट की जाए। और इसलिए शकेम के लोगों ने अबीमेलेक को खूब सारा पैसा दिया और उसने उस पैसे से गुंडे इकट्ठे किए और अपने पिता गिदोन के घर जाकर उसके 70 बेटों को मार डाला। इन 70 बेटों से अलग गिदोन का एक और बेटा था जो सबसे छोटा था, उसका नाम था योताम। अपने भाइयों को मरता देखकर योताम छिप जाता है और बच जाता है। अब शेकेम के लोग इकट्ठे होकर अबीमेलेक को राजा बना देते हैं और उस समय योताम वहां आता है और एक भविष्यवाणी और श्राप की शकेम और अबीमेलेक के ऊपर घोषणा करता है। इस भविष्यवाणी को ध्यान से सुनिएगा। इस भविष्यवाणी में अदन की वाटिका के खास वृक्षों का जिक्र किया गया है। न्यायियों अध्याय 9 उसकी 8 आयत में योताम शकेम के लोगों से बोलता है कि एक समय था जब वृक्ष इकट्ठे होकर अपने लिए राजा ढूंढने को निकल पड़े। पहले वो जैतून के पेड़ के पास गए और बोले कि हम पर राज्य कर, पर जैतून के पेड़ ने राजा बनने से मना कर दिया। फिर वे अंजीर के पेड़ के पास गए, उसने भी राजा बनने से मना किया। और फिर उन्होंने अंगूरों से यानी दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर, पर दाखलता ने भी उन्हें मना कर दिया। फिर आखिर में उन्होंने झड़बेरी से कहा यानी कटीली झाड़ियों से कहा, तू हम पर राज्य कर। न्यायियों अध्याय 9 की 15 आयत में कटीली झाड़ियों ने वृक्षों को जवाब दिया, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो कटीली झाड़ियों से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। फिर योताम शकेम के लोगों को कहता है कि इसी तरह अब यदि तुम लोगों ने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है और यरूबाल यानी गिदोन और गिदोन के घराने से भलाई की है तो अच्छी बात है, तो फिर तुम लोग अबीमेलेक के कारण आनंद करो, इंजॉय करो। पर अगर तुमने गिदोन के घराने के साथ बुराई की है और गलत तरीके से अबीमेलेक को राजा बनाया है तो फिर अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शकेम के मनुष्य और बेत मिलो भस्म हो जाएं, और फिर शकेम के मनुष्यों और बेत मिलो से ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। यानी योताम ने भविष्यवाणी की कि अगर तुम लोगों ने बुराई की है तो शकेम के लोग और अबीमेलेक एक दूसरे को नाश कर देंगे। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो जैसा योताम ने भविष्यवाणी दी थी, जो श्राप उसने दिया था, सब कुछ वैसा ही हुआ। अबीमेलेक के राज्य के 3 साल बाद परमेश्वर अबीमेलेक और शकेम के लोगों के बीच में एक दुष्ट आत्मा को भेजता है और इस कारण शकेम के लोग अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे और अंत में शकेम के लोग और अबीमेलेक एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और योताम की दी गई भविष्यवाणी पूरी होती है। योताम ने जो कुछ भी बोला था वो उसने भविष्यवाणी की आत्मा के प्रभाव में बोला था। क्या आप जानते हैं कि जिन 4 वृक्षों का जिक्र योताम ने किया वे सब वृक्ष अदन की वाटिका में थे। इन 4 वृक्षों के बारे में हमें उत्पत्ति की पुस्तक में पता चलता है। पहला था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जिससे आदम और हवा ने फल को खाया था। दूसरा था अंजीर का वृक्ष जिसके पत्तों को जोड़ जोड़ कर आदम और हवा ने कपड़े बना लिए थे। तीसरा था जीवन का वृक्ष जिसकी रखवाली के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को ठहराया था। और चौथा है कटीली झाड़ियां जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 18 आयत में लिखा है। न्यायियों अध्याय 9 में योताम 4 वृक्षों की बात करता है और वही 4 वृक्ष उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष थे जिनका जिक्र परमेश्वर ने खुद किया था। न्यायियों अध्याय 9 में 4 वृक्ष हैं जो है जैतून, अंगूर, अंजीर और कटीली झाड़ियां। और उत्पत्ति की पुस्तक में भी अदन की वाटिका में 4 ही महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, जो है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष, अंजीर का वृक्ष और कटीली झाड़ियां। परमेश्वर ने अदन की वाटिका के सेंटर में 2 वृक्ष लगाए थे जो कि बहुत ही स्पेशल थे। अब वो 2 वृक्ष अंजीर का वृक्ष और कटीली झाड़ियां नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास बचते हैं 2 वृक्ष, एक है जैतून का वृक्ष यानी ऑलिव ट्री और दूसरा है अंगूरों का वृक्ष यानी दाखलता। जब नूह के जल प्रलय के समय
सारी धरती पानी में डूबी हुई थी। तो पानी के घटने के बाद नूह ने एक कबूतरी को जहाज में से छोड़ा था। उत्पत्ति अध्याय 8 उसकी 11 आयत में लिखा, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जल पाई यानी जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जांच लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। वो जैतून का पत्ता जीवन की निशानी था। फिर मिलाप वाले तंबू में दीवट को यानी मेनोरा को जलाने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। जो परमेश्वर का भवन सुलेमान ने बनाया उस भवन के बहुत से दरवाजे जैतून की लकड़ी के बनाए गए थे। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने बहुत सारा समय जैतून के पर्वत पर बिताया, और फिर जब यीशु मसीह स्वर्ग में वापस गए तो वह जैतून के पर्वत से ही ऊपर गए थे। और अब जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब भी यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर ही आएंगे। पुराने समय में प्रॉफेट परमेश्वर के नबी अपने साथ जैतून का तेल रखते थे, और जब भी कोई राजा या कोई जन परमेश्वर की ओर से चुना जाता था तो उन्हें जैतून के तेल के साथ अनॉइंट यानी मसा किया जाता था। इस तरह बाइबल की आयतों से हमें पता चलता है कि जैतून का वृक्ष जीवन को दर्शाता है। जो वृक्ष अदन की वाटिका के बीच में लगा था, जिसे जीवन का वृक्ष बोला जाता था, वो जैतून के वृक्ष का ही एक अलौकिक रूप था, एक सुपर नेचुरल वर्जन था। तो अब हमारे पास भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के लिए एक ही वृक्ष बचता है, और वो है अंगूरों का वृक्ष यानी दाखलता। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में बहुत सी जगहों पर अंगूरों को खाना मना किया हुआ था। जब सैमसन पैदा होने वाला था तो परमेश्वर के स्वर्ग दूत ने सैमसन की माता को दर्शन देकर बोला था कि वह ना तो अंगूर खाएगी और ना ही अंगूरों से बनी कोई चीज खाएगी। सैमसन को भी अंगूर से बनी चीजें खानी मना थी। न्यायियों अध्याय 13 उसकी 14 आयत में लिखा, ये कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाख मधु व और कोई भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। बहुत से यहूदी रबी भी यही मानते हैं कि वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल अंगूर है। यही अंगूर वाइन बनाने में, दाखरस बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। बाइबल में सबसे पहली शराब वाइन दाखरस नूह ने बनाई थी। क्या आप जानते हैं कि जल पर लय के खत्म होने के बाद जहाज में से बाहर आने के बाद नूह ने सबसे पहला काम यही किया, उसने अंगूरों की खेती की। और जैसे आदम उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाकर गिरा, उसी तरह नूह भी उस अंगूरों की बनी दाखरस को पीकर मतवाला हो गया, और तब ही से उसके परिवार में गड़बड़ शुरू हो गई। जिस तरह आदम और हवा के समय सब कुछ उन्हीं से शुरू हुआ था, उसी तरह जल प्रलय के बाद सारी मनुष्य जाति नूह के द्वारा दोबारा से शुरू हुई। और इसीलिए परमेश्वर ने भी जिस तरह आदम को आशीष दी थी, उसी तरह उत्पत्ति अध्याय 9 उसकी 1 आयत में परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। पहली बार तो आदम गिरा ही, पर दूसरी बार नूह भी गिरा। बाइबल में लोगों ने बड़ी बड़ी गलतियां की जब जब वे दाखरस के मतवाले हो गए। आज भी ऐसा ही है। हर साल तकरीबन 30 लाख लोग शराब वाइन अल्कोहल के नशे के कारण मर जाते हैं। लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। जैतून का वृक्ष जीवन के वृक्ष की निशानी था, और अंगूरों का वृक्ष यानी दाखलता भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की निशानी थी। पुराने समय में जैतून के तेल को रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बारे में एक राजा अध्याय 17 उसकी 12 आयत में भी लिखा है, जब एलिया सारपत नगर की विधवा के पास गया तो उस विधवा ने एलिया को बताया था कि उसके पास केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, जिसकी रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। जिस तेल की वो बात कर रही थी वो जैतून का तेल था। जैतून के तेल के साथ रोटी बनाकर ही उसने एलिया नबी को खिलाई थी। हनोक की पुस्तक में भी भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में लिखा है कि वो फल अंगूरों के जैसा दिखता था। अगर हम हनोक की पुस्तक को ना देखें तो सिर्फ बाइबल में ही बहुत सारे वचन हैं जो हमें जैतून और अंगूरों के बारे में बताते हैं। अपने चेलों के साथ आखिरी भोज के समय यीशु मसीह ने रोटी ली जो जैतून के तेल से बनी थी और अपने चेलों को दी। फिर उन्होंने दाखरस लिया जो अंगूरों से बना था और अपने चेलों को दिया। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसमें जीवन बना रहता है। फिर यूहन्ना अध्याय 15 उसकी 1 आयत में यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ,
यानी जिस ज्ञान और नॉलेज की तुम तलाश में हो वो ज्ञान मैं हूँ। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर आप जो कुछ पाना चाहेंगे, चाहे वो नॉलेज हो, ज्ञान, पैसा, खुशियाँ, रिलेशनशिप्स, सक्सेस, वो सब आपके लिए श्राप है। तो अगर ये वृक्ष इतना ही बुरा था तो परमेश्वर ने उस वृक्ष को लगाया ही क्यों? वो फल, वो वृक्ष बुरा नहीं था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा था। उत्पत्ति अध्याय 2 की 9 आयत में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को अगर आदम और हवा से दूर ही रखना होता तो वो कभी भी उस वृक्ष को उस अदन की वाटिका के बीच में नहीं लगाता। पाप उस फल को खाने से नहीं हुआ, पाप इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन तोड़ दिया गया। वो फल अच्छा था पर क्योंकि परमेश्वर ने उसे खाने से मना किया हुआ था, इसलिए उस फल को परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाकर खाना पाप था। अब पानी तो आपके लिए अच्छा है, पर अगर परमेश्वर ने आपको पानी पीने से मना किया है तो फिर वो पानी आपके लिए पानी नहीं बल्कि जहर है। वो वृक्ष परमेश्वर के लिए इतने खास थे कि परमेश्वर ने उन वृक्षों को वाटिका के बिल्कुल बीच में लगाया था। परमेश्वर ने अपने समय पर आदम और हवा को उस फल को खाने के लिए अनुमति दे देनी थी क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ आदम और हवा के लिए ही बनाया था। उस फल को खाने से पहले परमेश्वर उन्हें बताता था कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या भला है और क्या बुरा है, पर वो परमेश्वर से दूर जाकर खुद ये फैसला करने लगे कि हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं, वे परमेश्वर के वचन के बीच से अपनी जिंदगी के फैसले नहीं करते। उनको जो अच्छा लगता है वे उसी हिसाब से अपने लिए भले और बुरे का फैसला करते हैं। नीति वचन अध्याय 10 उसकी 22 आयत में लिखा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर जो आशीष आपको देता है उसके साथ कोई दुख नहीं आता। भजन संहिता 127 उसकी 1 आयत में लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना, चौकीदार का जागना व्यर्थ ही होगा। नीति वचन अध्याय 21 उसकी 31 आयत में लिखा, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आज लोग दुखी और श्रापित इसीलिए हैं क्योंकि वे आदम और हवा की तरह परमेश्वर के वचन को तोड़कर आशीष की खोज में रहते हैं, पर सच्चा ज्ञान, सच्ची आशीष का सोता सिर्फ यीशु मसीह ही है। आज आपको जो कुछ चाहिए वो सब यीशु मसीह में है। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर में बने रहें। अपने हर काम को परमेश्वर के वचन में बने रह कर ही करें। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके फोन में जरूर पहुंचे। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।